तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। अभी तक का मतलब अभी तक कोई ऐसा नहीं आया था अभी तक अपडेट, जो आज का अपडेट ये दिखाने वाला हूँ। जो आज का पेपर कटिंग में दिया था, कल ही यहाँ पर ट्वीट करके बता दिया गया था, लेकिन आज के पेपर कटिंग में आया है। यहाँ पर लिखा गया केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरियाँ देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने मंत्रालय को मिशन मोड में काम करने को कहा और सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा। जिसमें यहाँ पर लिखा है 40.7 लाख पद केंद्र सरकार के विभागों में स्वीकृत है, जिसमें 31.99 लाख ज्यादा पद भरे हुए थे 1 मार्च 2020 तक। जिसमें यहाँ पर लिखा है कि 8.87 लाख पद खाली पड़े थे तब 10 लाख होने का अनुमान। तो यहाँ पर बताया कि कहाँ कितने पद खाली है, यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे 2 दिसंबर 2021 के संसद ने दी जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है रेलवे में इतना भी पोस्ट यहाँ पर 12,70,399, जिसमें टोटल स्वीकृत है 15,07,694 और गृह मंत्रालय में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना सीट है और सभी का मतलब डाक विभाग में इतना, राजस्व में इतना और सिविल में इतना। साथ में यहाँ पर पूरी तरह से देख पाएंगे चुनौती यहाँ पर दिया गया कि 1.2 करोड़ लोग एक अनुमान के मुताबिक हर साल नौकरी पाने की उम्र में पहुंच जाते हैं। देश में बेरोजगारी दर थी जून में सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक में, जिसमें जिसके अनुसार यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर तैयारी में जो लिखा गया है, प्रधानमंत्री निर्देश आने के बाद रेलवे ने बताया कि वह जून 2023 तक 1.48 लाख भर्तियां करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि विभाग रिक्त पद को मिशन मोड में भरने के लिए एकदम उठाने शुरू कर दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल में भर्तियां जल्द ही। और साथ में यहां पर वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन मंत्रालय विभागों में भी इसके बारे में कदम उठाने को बात कही है, जिसमें यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 46,000 भर्तियां निकाली जाएगी 90 दिन में, जिसमें पहले चरण में भर्तियां होंगी थल सेना में 40,000, वायु सेना में 3,500 और यहां पर नौसेना में 2,500। इसमें लिखा गया 17.5 से 21 वर्ष को मौका मिलेगा, जिसमें लिखा है सेना में भर्ती के मानक पुराने ही रहेंगे, अलग अलग श्रेणियां में 10वीं 12वीं पास युवकों को मौका मिलेगा, जिसमें उम्र 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच रखी जाएगी और कम 10 सप्ताह प्रतिशत किए जाएंगे। जिसमें यहाँ पर लिखा है तीनों सेना में होगी अग्निपथ अग्निवीरों की भर्ती, जिसमें वेतन कितना होगा इसमें दिखाया गया है यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर 1 करोड़ मुआवजा जिसमें यहाँ पर टोटल दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके पूरी तरह से रीड कर लीजिए। साथ में यहाँ पर दिखाया गया 25% को अस्थायी होने का मौका मिलेगा, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर मौका मिलेगा सभी को। और मैं यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ जानकारी दे दिया हूँ और आप डिटेल अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सब दिया गया डिटेल, सब यहाँ से पूरा रीड कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पेपर में दिखाया गया, पेपर के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर डिटेल बताया गया है। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को शेयर कर दिया इसका। जैसे ही मतलब ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप सभी को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सभी को पूरी तरह से जानकारी मिल जाए। मुझे काम था यहाँ पर आप सभी को जानकारी देना और इसके बारे में, अब ये वैकेंसी आता है कब तक आता है तो इसके लिए इंतजार करना होगा, और जैसे ही इसका वैकेंसी आ जाए तो मैं अपने चैनल पर सभी को अपलोड कर दूंगा, जिससे आप चैनल से आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितने भी फ्रेंड हों सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। और पूरी तरह से यहाँ पर इस वाले वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, ताकि आप सभी को पूरा जानकारी मिल जाए। मैं आप सभी को यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी दिया हूँ, यहाँ पर जहाँ जहाँ मतलब मेन था जो शॉर्टकट में, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।